हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज भिडियो आम देखा रिलेशन रो लेक्चर नंबर टू। सो लेक्चर नंबर वन रे आम रिलेशन का कहवा कार्टेशियन प्रोडक्ट ओके ऑर्डर पेयर ए सब को डिस्कस करते। सो आई होप कि आपको से जिनसा भल से बुझे। सो आज भिडियो आम देखा कौन टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आम किसी इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन थी जमीक कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। सो से सब को आज वीडियो रे हमें डिस्कस करवा। तो चलो तो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, तो देखो तो आम हेडिंग रोक कौन टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन कौन रोक, फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन रोक आम वॉइड रिलेशन। ओके वॉइड किंबा आम कहीपर कौन एम्प्टी रिलेशन। गोटे रिलेशन को आम कत वॉइड रिलेशन किंबा एम्प्टी रिलेशन कहवा। ठीक अच्छे, सो देखो आम कल पढ़ी कौन रिलेशन आम क्या कहते रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक अच्छे, मीन्स आम जदि गोटे सपोज सेट ए नहीं आ गए सपोज सेट बी नहीं दुटर जब आम क्रॉस प्रोडक्ट कर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर तो सेमकर जो सबसेट आसाला से सबसेट को आम कहते कौन रिलेशन। एंड आम सेट छोड़े कौन पढ़ी ना फाइ बा एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो जदि फाइ टा सबसेट ऑफ एवरी सेट हो देन एई केस रे जदि आमे गोटे सेट नबा ए आउ गोटे सेट नबा बी, सो ए क्रॉस बी रो कोन हबो सबसेट हबो कि नै फाइ ओबवियसली सबसेट हबो। जदि फाइ टा ए क्रॉस बी रो सबसेट होची देन फाइ इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन। ओके एम्प्टी रिलेशन बुझी गला। सो ताले एम्प्टी रिलेशन आम क्या कहवा ना फाइ मीन्स एम्प्टी सेटा जो था एम्प्टी सेटा को ही एम्प्टी रिलेशन किंबा वॉइड रिलेशन कहा जाए। तापर आमर आसीब कौन सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन जोटा हूँ कौन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कि आम गोटे रिलेशन को कत यूनिवर्सल रिलेशन कहवा। ठीक अच्छे, सो देखु सपोज आम दीटा सेट नौ ए सेट आउ बी सेट नौ। ठीक अच्छे, तो सेमकर जदि आम सबसेट देखा सो ए क्रॉस बी टा कौन होता है ओबियसली ए क्रॉस बी रो सबसेट हम कहीं आम सेट पर पढ़ी कौन ना एवरी सेट सपोज आम गोटे ए सेट ने ए सेट टा कौन होता है ए सेट रो सबसेट होता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके प्रत्येक सेट कौन होता है निजे निजर सबसेट होता है। जदि प्रत्येक सेट निजे निजर सबसेट होता है तो से अनुसार जब आम देखा ए क्रॉस बी जो आम बनाऊ ए क्रॉस बी रो निजे सबसेट किए हो ए क्रॉस बी हो आमको जो रिलेशन टा मिले ए क्रॉस बी तो ए रिलेशन टा को ही आम कह कौन ए रिलेशन टा को ही यूनिवर्सल रिलेशन कहुए। कहीं आम जदि ए क्रॉस बी बनाऊ तो या ठारू बड़ कौन आमको रिलेशन मिल पार ना ए क्रॉस बी उपर। कहीं एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। प्रत्येक रिलेशन कौन होता दरकार सबसेट होता दरकार ए क्रॉस बी रो। जदि सबसेट हो रिलेशन हो पार तो ए क्रॉस बी रो सब बड़ सबसेट कौटा हो पार निजे ही पार ठार बड़ सबसेट तो पॉसिबल ही नुहे। सो आम ये केस रे ताले कोई परबा कौन देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक अच्छे, ताहले आम ए क्रॉस बी टा को कौन कहवा यूनिवर्सल रिलेशन कहवा। ठीक अच्छे, सो आई होप कि आपन मन को ए दुटा रिलेशन बहुत ही भल से बुझि आइथिबो वॉइड रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। तापरे आमर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन थिला सिलेबस रे सेटा होचे कोन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आम गोटे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कहवा। ठीक अच्छे, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड जो सिमेट्रिक रिलेशन आज ट्रांजिटिव रिलेशन थिला से जो रिलेशन गुड़ाक रही तीन टा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ए रिलेशन गुड़ाक गोटे सेट उपर ही डिफाइंड होता है। ठीक अच्छे, गोटे सेट उपर डिफाइंड होता है मीनस कौन कह चाहिए ना देखो जदि आम गोटे आर बनाऊ रिलेशन जोटा कि ए सेट रु ए सेट उपर रही मीनस आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए
जेते बड़े गुटिए सेट रो आमे क्रॉस प्रोडक्ट करबा विथ इटसेल्फ ठीक अछि जदि आमे ए रो ए सहित क्रॉस प्रोडक्ट करछंती तो सही केस रे हमकु ए क्रॉस ए मिलबो तो सही ए क्रॉस ए रो जदि आमे जे कोनोसी गोटे सबसेट नै जिबा तो सही सबसेट गुडा को कहा जाय कोन रिलेशन ऑन ए सेट मींस गुटिए सेट उपर ही रिलेशन टा डिफाइंड हिछि तो ताकु कहा जाय कोन रिलेशन ऑन ए सेट ठीक सो ई जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ए तीनटा रिलेशन गणितै ना रिलेशन ऑन ए सेट रो एग्जांपल्स ओके मींस ए सब रिलेशन गुडा को कहि तै ना गोटिए सेट उपर ही डिफाइंड हिता दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन टा ए क्रॉस ए रो सबसेट हिता सिमेट्रिक रिलेशन इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ट्रांजिटिव रिलेशन इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एती जिनस क्लियर जाइतबो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन टा हमें ताले केत्र सेट उपर डिफाइंड करबा गोटिए सेट उपर डिफाइंड करबा ठीक सो यार ताले वर्तमान मु डेफिनेशन लिखि दउछि डेफिनेशन लिखि सारला परे आमे ए जिनस टा को बुझिबा कि यार डेफिनेशन एक्चुअली कहुछि कोन ठीक अछि सो डेफिनेशन लिखि दउछि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव आमे तको रिफ्लेक्सिव कहिबा इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इटसेल्फ ठीक अछि मींस याकु जदि आमे सिंबोलिकली लिखिबा कोन हे जीवो सिंबोलिकली हे जीवो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ठीक अछि सो एटा होछि कोन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रो डेफिनेशन तो हमकु कोन कहिला देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल यार मीनिंग को बुझिबा ठीक कहला ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए जदि आमे गोटे आर रिलेशन बनौछंती सेट ए उपरे मींस कोन ना आर टा सबसेट हितबा दरकार का रो ए क्रॉस ए रो ठीक अछि गोटे सेट उपरे ही आमे रिलेशन डिफाइन करले दैट इज आर ठीक सो आई रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव सो ए रिलेशन टा को आमे रिफ्लेक्सिव कहबा केते बेले कहबा ना जते बेले फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए जते बेले ए रो प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ मींस ए रो प्रत्येक एलिमेंट जते बेले निजे निजो सहित रिलेटेड कर रिलेट करबे ओके मींस रिलेशन बनेबे तो सही केस रे हमहु को जो रिलेशन टा मिलबो से रिलेशन टा को आमे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहबा सो ए जिनस टा को मु एठी सिंबॉलिक फॉर्म रे लिखछि कोन फॉर every a belongs to a a set ro jodi ame gote element nou chanti suppose small a tale kon utpad darkar na a comma a ta amaro kon utpad darkar r re belongs kortva darkar jodi amaku emti gote relation mili paruchi then sei relation ta ko ame reflexive relation koiba yaro ame examples sekiba examples sekila apan mane au adhika clear hei paribe thik achi to mota yaro examples nouchi reflexive relation ro thik achi ओके एटे मु एग्जांपल्स लिखो छी देखो तो सपोज मु गोटे ए सेट नेली ए सेट रा हमरो एलिमेंट्स अछि कि 1 2 3 ठीक अछि 1 2 3 सो मु गोटे रिलेशन बनेली सपोज r1 r1 रिलेशन हमरो कोन रहै छी r1 रिलेशन रहै छी 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 ठीक तापरे मु आ गोटे रिलेशन बनेली r2 रिलेशन r2 रिलेशन को कहो छी r2 रिलेशन रे एलिमेंट अछि 1, 1 2, 2 3, 3 एंड 1, 2 ठीक अछि आ गोटे मु रिलेशन बनेली r3 रिलेशन ओके r3 रिलेशन बनेली जो थरी के एलिमेंट हमरो प्रेजेंट अछि 1, 1 2, 1 3, 3 ठीक आ गोटे हम रिलेशन बनेबा सपोज 1, 1 2 कॉमा 2 ठीक सो एटा गोटे हम रिलेशन बनेले सो वर्तमान हमको देखियार अछि कि ए जो चारटा हम रिलेशन बनेले r1 r2 r3 एंड r4 तो या भीतरो कोटा रिफ्लेक्सिव होची एंड कोटा रिफ्लेक्सिव हो नाही ठीक अछि सो रिफ्लेक्सिव रो डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर दियंतु आमे गोटे रिलेशन बनेवा सेट ए उपरे जो थरे कि को होतबो ना ए रो
प्रत्येक एलिमेंट निजे निज सहित रिलेट कर दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर मीन्स ए रो प्रत्येक एलिमेंट पाई आम को गोटे ऑर्डर पेयर मिलुत दैट इज ए कोमा ए जोटा कि आर भितर बिलोंग्स करसपरिया कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो यही केस रे जदि हमें देखिबा ए सेट रो एलिमेंट्स के की अछि 1, 2, 3 ठीक अछि सो फॉर एवरी एलिमेंट जदि हमें कहबा कि 1 बिलोंग्स टू ए सो दैट मींस रिफ्लेक्सिव हबा पई हेले कोन दरकार 1, 1 बिलोंग्स टू आर होतबा दरकार से प्रकार देखंतु 2 बिलोंग्स टू ए 2 टा ए भीतर बिलोंग्स करछि सो दैट मींस 2, 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर होतबा दरकार तापर थर्ड केस जदि हमें कहबा 3 बिलोंग्स टू ए ओके 3 टा भी ए रो एलिमेंट होछि सो दैट मींस 3, 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर होतबा दरकार यस ओर नो मींस आर रे ताले के एलिमेंट थबा दरकार 1, 1 2, 2 3, 3 एलिमेंट थबा दरकार काहे कि ना ए रो प्रत्येक एलिमेंट पई हमकू गोटिए ऑर्डर पेयर एमती मिलत जो कि सही एलिमेंट टा निज सहित रिलेशन बनाऊ से कौन हो 1 टा 1 सहित रिलेशन बनाऊ 2 टा 2 सहित रिलेशन बनाऊ एंड 3 टा 3 सहित रिलेशन बनाऊ ओके सो देखो फर्स्ट जो आमको दिखाई फर्स्ट आमको जो दिखाई R1 एलिमेंट किए किए 1, 1 2, 2 3, 3 सो फॉर एवरी 1, 2, 3 आमको कौन मिल जाऊ 1, 1 2, 2 3, 3 मिल जाऊ सो ये आम कहीपर कौन R1 is reflexive relation. ताले R1 टा कौन है जो reflexive relation है जो बर्तमान देखो तो second example. Second रे R2 दिया है जी R2 रे element क्या किया ची 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 ठीक हो ची तो देखो तो आमुकु से कही ची कौन आमुकु से कही ची कि for every a there is a 1a, a ठीक अछि a रो प्रत्येक एलिमेंट पई हमहु गोटे a टाइप रो एलिमेंट मिलुतबा दरकार जोतरे कि a टा निज सहित रिलेशन बनोतबो ठीक अछि सो हमहु खाली सेति कहि छि बाकी आउ किछि एलिमेंट नथिबो बोली सेट त हमहु कहिनि बाकी एलिमेंट मे बी थाई पारे मे बी न थाई पारे ठीक अछि सो ताहाले देखंतु एटा रिफ्लेक्सिव हबा पई हेले कोन दरकार 1 पई 1, 1 प्रेजेंट हबा दरकार 2 पई 2, 2 प्रेजेंट हबा दरकार 3 पई 3, 3 प्रेजेंट हबा दरकार सो ई तीनटा तो प्रेजेंट अछि ता बाद आउ किछि एलिमेंट प्रेजेंट थाउ कि नथाउ आमुकु तो डेफिनेशन से कहिनि कि या छोडा आउ किछि एलिमेंट प्रेजेंट नथिबो के तो मे बी थाई पारे मे बी न थाई पारे सो एई केस रे ताहाले R2 टा जो मिलुछि R2 टा भी कोन हिजबो R2 टा भी रिफ्लेक्सिव हिजबो ठीक अछि R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ताले R2 टा भी कोन हिजबो R2 टा भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिजबो वर्तमान आसीबा R3 को R3 हमकु देखंतु कोन देछि R3 देछि 1, 1 2, 1 3, 3 तो देखंतु 1 पई तो हमकु मिलि गेल ऑर्डर पेयर 1, 1 2 पई देखंतु हमकु ऑर्डर पेयर कोन दरकार थला 2, 2 बट इटा प्रेजेंट अछि कि प्रेजेंट नै हमकु एठे दे दिला कोन 2, 1 ठीक अछि सो इटा रिफ्लेक्सिव हबा पई हेले कोन दरकार नै एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ सो 2 टा 2 सहित रिलेशन बनुत को दरकार किंतु एठे तो बनौ नि ओके एंड 3, 3 पई दिछि ठीक अछि सो एही केस रे ताले देखंतु फॉर एवरी एलिमेंट पई एठे हमरो ऑर्डर पेयर मिलि पारु छि कि मिलि पारु नि सो दैट मींस R3 टा कोन हिजबो ताहेले R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन R3 टा ताले कोन हिजबो R3 टा गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होबो कि R3 टा गोटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होबो नाही तापर आसी जाओ R4 को R4 रे ताले से प्रकार देखंतु 1, 1 पई हमको दे दिछि 2, 2 पई दिछि बट 3 पई दिछि कि 3 पई देनि काहे कि ना हमको दरकार कोन फॉर एवरी एलिमेंट सो एवरी एलिमेंट पई नाही सो R4 इज आल्सो नॉट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो R4 टा भी गोटे कोन हिजबो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हबो नाही बुझी आसी होला समस्तंकु सो आई होप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन रो डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स जो हमें चारटा एग्जांपल्स कले आपनकु भलसे बुझी आसतबो ठीक अछि सो वर्तमान तापर आमे आउ गोटे एग्जांपल्स देखिबा ठीक अछि से एग्जांपल्स रे आपनमनकु कहिवार अछि ताहेले देखंतु कोटा रिफ्लेक्सिव हबो एंड कोटा रिफ्लेक्सिव हबो नाही ठीक सो मु आउ गोटे एग्जांपल्स नउ छी सपोज ए गोटे सेट जो थ्री की एलिमेंट अछि a, b, c ठीक सो यार मो गोटे बनेली R1 रे एलिमेंट अछि कोन a, a, c, b, b एंड c, a तो R1 टा गोटे रिफ्लेक्सिव हबो कि नाही कहिवार अछि R2 मो गोटे रिलेशन बनौ छी जो थ्री एलिमेंट अछि a, a, c, b, 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 a
एंड सी कमा सी सो ये रिफ्लेक्सिव हम कि ना तापर आउ गोटे मु रिलेशन दोचे सपोज आर थ्री रे हमको दिया कौन ए कमा बी एंड सी सो ये रिफ्लेक्सिव हम कि ना ओके तो ये तीन टा रिलेशन रो कौटा रिफ्लेक्सिव हम कौटा रिफ्लेक्सिव न हम से करके तो देखो तो मुझे कहीदे ये आर ओन टा कौन हम आर ओन टा रिफ्लेक्सिव हेनी कहीं ए कमा ए प्रेजेंट अच्छी बी कमा बी प्रेजेंट अच्छी बट सी कमा सी प्रेजेंट ना सो इट इज नॉट एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक तापर देखो आर टू पाई जदि कह देखो ए कमा ए प्रेजेंट अच्छी बी रे बी कमा बी प्रेजेंट अच्छी एंड सी कमा सी प्रेजेंट अच्छी सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तापर आर थ्री पे जदि हम देखिबा ए कमा बी कमा बी सी कमा सी प्रेजेंट अच्छी सो इटा भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हबो सो आर टू आर थ्री रिफ्लेक्सिव बट आर ओन इज नॉट रिफ्लेक्सिव ठीक अच्छे तापर हमरो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन जो रही सेटा होची कोनो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन होची हमरो फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन ठीक अच्छे सिमेट्रिक रिलेशन गोटे रिलेशन को केते बड़े सिमेट्रिक रिलेशन कहवा ठीक अच्छे फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार डेफिनेशन को देखी दबा ओके तापरे यार आम एग्जांपल्स को देखा ठीक सो सिमेट्रिक रिलेशन टा भी ताहले को सेट उपरे डिफाइंड हेते ना गोटे सेट उपरे डिफाइंड हेते दैट इज आर जदि आम गोटे सिमेट्रिक रिलेशन कहउछंती ताहले सेटा भी गोटे सेट ए उपरे डिफाइंड हेतेबो ठीक अछि सो एठी ताहले डेफिनेशन को लिखिबा ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक If A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R. ठीक अच्छे तो सी आम को कौन कहला ताहले देखंतु जदी आमे गोटे आर रिलेशन डिफाइंड करछंती सेट ए उपरे मींस आर गोटे आमे रिलेशन बनाउछंती सेट ए उपरे मींस आर टा कोन हितबा दरकार ए क्रॉस ए रो सबसेट हितबा दरकार तो जोंतरे की को टाइप रो हमरो एलिमेंट अस्तबे ना जोंतरे की हमरो जदी ए कमा बी टा आर सेट रे बिलोंग्स करूची देन बी कमा ए टा भी जदी आर सेट रे बिलोंग्स कर जाउची मींस आमे जदी गोटे एलिमेंट नेले ए कमा बी जोंटे की आर रे बिलोंग्स करूची तो जदी ए कमा आर रे बिलोंग्स करूची that implies b comma a ta bi r re belongs kariba darkar jodi ei dita element ekka sangre belongs karuchanti r set re to sei case re ame taku koi pariba kon symmetric relation koi pariba thik achi kon koi pariba symmetric relation koi pariba thik so jodi gote relation r emti mili paruchi jotre ki a comma b present thile b comma a bi mili paruchi sei relation bitore hi tahale taku ame symmetric relation koiba otherwise symmetric relation ame koiba nahi thik achi bahut easy achi definition ta bujhi समस्त को तो यार एग्जांपल्स देखा एग्जांपल्स देखो तो एग्जांपल्स देखले अधिक क्लियर हो जाए ठीक तो यार मु एग्जांपल्स लिखुचे वर्तमान तो आम गोटे सपोज ए सेट नेले ठीक अच्छे ए सेट रे हमरो एलिमेंट सपोज करंतु कि हमरो एलिमेंट्स के अछि 1 कॉमा 2 कॉमा 3 सो मु एठी गोटे रिलेशन लिखली आर1 आर1 रे एलिमेंट अछि कि 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 लिखिबनी फर्स्ट मैं अलग एलिमेंट नवा फर्स्ट ओके सो आर ओन मु गोटे रिलेशन नेली जो थ्री की हमरो एलिमेंट प्रेजेंट अछि 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 1 तापर सेकंड मु आर2 गोटे रिलेशन लिखली आर2 रे सपोज एलिमेंट प्रेजेंट अछि 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 1 कॉमा 3 तापर आर3 आ गोटे मु रिलेशन लिखली जो थ्री की एलिमेंट प्रेजेंट अछि 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा 3 तापर मु आउ गोटे रिलेशन लिखली सपोज आर फोर आर फोर रे हमरो एलिमेंट अछि 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 ठीक तापर आउ गोटे रिलेशन लिखली सपोज आर फाइव रे हमरो एलिमेंट प्रेजेंट अछि 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 ठीक अछि
ओके सो ए भीतर हमको ताले कहि पर अछि कि कोटा हमरो सिमेट्रिक रिलेशन हबो एंड कोटा सिमेट्रिक रिलेशन हबो नहीं ठीक अछि सो हमें वर्तमान टेस्ट करबा कि कोटा हमरो सिमेट्रिक रिलेशन हबो कोटा सिमेट्रिक रिलेशन हबो नी तो देखो तो हमें यदि ए सेट ऊपर गोटिए रिलेशन डिफाइन करछंती दैट मींस सेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए क्रॉस ए रो सबसेट हित दरकार तो देखो तो सबुडा को ए क्रॉस ए रो सबसेट होची यस और नो तो ताहले से सबसेट टकु मींस रिलेशन टकु हमें सिमेट्रिक रिलेशन केते बेले कहबा जते बेले से ए कंडीशन टकु सटिस्फाई करबो कंडीशन कोन कहउची ना ए कॉमा बी जदी आर रे प्रेजेंट होची देन बी कॉमा ए ट भी जदी प्रेजेंट हमको मिली जाउची देन सेही केस रे हमें टकु सिमेट्रिक कहबा अदरवाइज सिमेट्रिक कहबा नाही ठीक अछि सो फर्स्ट देखंतु फर्स्ट जो हमको आर1 दिहाई छि आर1 रे कोन दिहाई छि 1, 2 R1 रे प्रेजेंट अछि सो 1, 2 जदि प्रेजेंट अछि ताहाले कोन तारो रेसिप्रोकल दैट इज 2, 1 टा R1 रे प्रेजेंट अछि कि ओबवियसली प्रेजेंट अछि सो दैट मींस एही कंडीशन टा को से सटिस्फाई करूछि ता माने R1 टा कोन हे जइबो R1 टा हे जइबो सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन बुझि आसी गला तापर देखंतु सेकंड R2 R2 रे कोन दिहै छि देखंतु 1, 2 प्रेजेंट अछि 1, 2 पई एठी हमको मिलि गला कोन 2, 1 मिलि गला ओके 1, 2 पई 2, 1 मिलि गला बट जेते बेले हम 1, 3 कथा कहबा 1, 3 प्रेजेंट अछि ताहाले कोन यार रेसिप्रोकल दैट इज 3, 1 प्रेजेंट अछि कि 3, 1 प्रेजेंट नाही सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन ठीक अछि काहे कि ना हमको दरकार कोन जदी ए बी प्रेजेंट अछि देन बी ओबवियसली प्रेजेंट थिबा दरकार जदी एमती होउछि ताहाले सेटा सिमेट्रिक हेइ परिबो अदरवाइज सिमेट्रिक हेइ परिबो नाही तो एही केस रे देखंतु 1, 2 पई 2, 1 मिलि गला बट 1, 3 पई 3, 1 बे मिलिबा दरकार ताहाले सिमेट्रिक हेइ परिबो किंतु एठी तो हमको 3, 1 मिलोनी सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन इज वो ठीक अछि सो एटा ताले कोन हिजबो सिमेट्रिक रिलेशन होबो कि सिमेट्रिक रिलेशन होबोनी तापर आर3 देखिबा आर3 देखो त हमको कोन दिहै छि 1, 2 एंड 1, 3 सो 1, 2 आर3 रे प्रेजेंट अछि बट 1, 2 पई 2, 1 कोन हमको मिलि परुछि कि मिलि परुनी सो दैट मींस इट इज आल्सो ए नॉट अ सिमेट्रिक ओके नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन तापर आर4 आर4 हमको कोन दिहै छि देखंतु 1, 1, 1, 2, 2, 1 सो 1, 1 रो जदि हमें रेसिप्रोकल उल्टा लिखिबा ताले कोन सेही 1, 1 ही आसीबो सो दैट मींस एटा तो प्रेजेंट अछि तापर 1, 2 पई 2, 1 भी प्रेजेंट अछि सो दैट मींस 1, 1 रो रेसिप्रोकल प्रेजेंट अछि 1, 2 पई 2, 1 भी प्रेजेंट अछि सो दैट मींस एही केस रे ताले हमें कहि परबा कोन आर4 इज सिमेट्रिक रिलेशन ताले आर4 टा कोन हिजबो सिमेट्रिक रिलेशन हिजबो सेही प्रकार आर5 कथा कहबा आर5 रे देखंतु 1, 1 तो यार रेसिप्रोकल कले फिर से 1, 1 आसीबो यस और नो तापर देखंतु 2, 2 रो रेसिप्रोकल कले फिर से 2, 2 मिलिबो एंड 3, 3 ताकु रेसिप्रोकल कले फिर से 3, 3 ही मिलिबो सो सब उडा को पई हमरो कोन जाउची ए, बी पई बी, ए प्रेजेंट मिलि जाउची सो सेही पे हमें ताले कहि परबा कोन आर5 टा भी सिमेट्रिक रिलेशन हबो ओके आर5 टा भी कोन हबो सिमेट्रिक रिलेशन हबो मैट्रिक रिलेशन हो सो एठी ताहले देखो तो हमको जो मिलला आर5 टा ए आर5 टा ताहले हमरो कोन आर5 टा हमरो कोरिलेशन आर5 टा अपन मन को देखि लागतबो जो हमें प्रीवियस पढीतिले कोन रिफ्लेक्सिव रिलेशन सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन टा ताहले कोन हे गला सिमेट्रिक रिलेशन हे गला यस और नो सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन टा सिमेट्रिक रिलेशन हेले कि नहीं obviously symmetric relation hela so ei case re ame tale koi pariba kon this reflexive relation is symmetric but eta kon sabu case re possible hei paribo ki sabu reflexive relation ta kon symmetric relation hei paribo ki sabu reflexive relation symmetric relation hei paribo nahi kai ki na dekhantu ethi amro kon thila 1, 1, 1, 2, 3, 3 present thila jodi ei jaga re mu emti a gote examples nei tanti suppose r6 mu nei tanti r6 dekhantu kon asibo ताहले हमरो 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 मु एमतिया लिखि थांती ताले देखंतु 1, 1 पई प्रेजेंट अछि 2, 2 पई भी प्रेजेंट अछि 3, 3 पई भी प्रेजेंट अछि बट 1, 2 पई कोन 2, 1 प्रेजेंट अछि कि प्रेजेंट नाही सो एही केस रे ताले कोन हो छि आर6 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन ताले एटा कोन हो छि सिमेट्रिक रिलेशन हे जाउ छि
कि सिमेट्रिक रिलेशन होनी, सिमेट्रिक रिलेशन होनी, बट एटा ताले कोन रिफ्लेक्सिव होनी कि एटा ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होची, बट एटा सिमेट्रिक होची कि सिमेट्रिक होनी। तो सबू केस रे सबू रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हे न थाए, ओके। बट जदि हमें यूनिवर्सल रिलेशन कथा कहबा, यूनिवर्सल रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव भी हेता है, सिमेट्रिक भी हेता है, ट्रांजिटिव भी हेता है। काहे कि ना यूनिवर्सल रिलेशन रे कोन थाए ना सबू ऑर्डर पेयर गुडा को जेतु प्रेजेंट थाए तो सेटा सबू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक अच्छी। तापर जीव हमरो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ट्रांजिटिव रिलेशन हमें का कहबा, तो ही ट्रांजिटिव रिलेशन टा भी हमरो कोन हेता है ना सही ए सेट ऊपर ही डिफाइंड हेता है, मींस गुटिए सेट ऊपर ही डिफाइंड हेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हमें डेफिनेशन लिखि दबा, डेफिनेशन लिखि सल्ला पोरे ताको हमें बुझिबा कि ये कोन कहूछि डेफिनेशन टा, तापर यार हमें एग्जांपल्स देखिबा, ठीक अछि। सो सपोज करंतु लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, सपोज आर होची गोटे रिलेशन जोटे की ए सेट ऊपर डिफाइंड होची इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, सेट टू बी ट्रांजिटिव। आर रिलेशन टा को हमें कोन कहबा ट्रांजिटिव कहबा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक अच्छे। तो से कौन कहला हम को देखु जदि आम गोटे आर रिलेशन डिफाइंड कर ए सेट उपरे, को सेट उपरे ना आर गोटे आम रिलेशन बनाऊंटी जोटा कि ए सेट उपरे बनाऊंटी, तो से रिलेशन टा को आम ट्रांजिटिव रिलेशन कहबा। कौन कहबा ट्रांजिटिव रिलेशन कहबा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहबा। केते बेले ट्रांजिटिव कहबा ना जते बेले देखंतु जदि ए कॉमा बी आर रे प्रेजेंट अछि एंड बी कॉमा सी आर रे प्रेजेंट अछि, जदि ए दिटा एलिमेंट आर रे प्रेजेंट होचंती ताहाले हमकु देखिबार कोन अछि ना ए कॉमा सी टा आर रे प्रेजेंट होची कि नाही। जदि ए दिटा आर रे प्रेजेंट अछंती एवं ए कॉमा सी टा हमकु आर रे मिली जाउची ताहाले सेही केस रे आर टा कोन हिजबो ट्रांजिटिव रिलेशन हिजबो, ठीक अछि। कोन कहिला ताहाले देखंतु ए बी सहित रिलेशन करुचि, बी टा सी सहित रिलेशन करुचि एंड हमकु ट्रांजिटिव देखिया को हेले कोन दरकार ना ए टा सी सहित रिलेशन करुचि कि नै। जदि ए टा सी सहित रिलेशन करुचि हमकु मिली गला ताले सही केस रे एटा कोन हिजबो ट्रांजिटिव रिलेशन हिजबो, बुझैसिला समस्तनकु कोन हिजबो एटा ताले ट्रांजिटिव रिलेशन हिजबो। सो एटा कहुचि यार डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन टा रहिचि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी जदि आर रे प्रेजेंट अछि देन हमकु खाली देखियार अछि सिंपल कोन ए कॉमा सी आर रे प्रेजेंट अछि कि नै। तो वर्तमान यार हमें एग्जांपल्स देखिबा, एग्जांपल्स देखिले आपण माने आउ अधिक क्लियर हिजबे। तो सपोज हमें गोटे एटी ए सेट डिफाइन करबा, ए सेट सपोज करंतु कि ए सेट रे एलिमेंट के अछि 1, 2, 3, 4 रिलेशन बनेले, सपोज आर रिलेशन बनेले आर रे के एलिमेंट अच्छे ना देखो 1, 2, 3 and 2, 3 क्लियर। तापर मु आउ गोटे रिलेशन बनेली सपोज एटा हेगला हमर आर वन एटा हेगला आर टू, सो आर टू रे हमर देखो एलिमेंट को टाइप रे अच्छे 1, 2, 2, 1, 1, 1, ठीक। तापर आउ गोटे मु रिलेशन बनेली सपोज आर थ्री, आर थ्री रे एलिमेंट अच्छे सपोज 1, 1, 2, 2 and 1, 2 क्लियर। तापर आउ गोटे रिलेशन बनेली सपोज आर फोर, आर फोर रे हमर एलिमेंट अच्छे के 1, 1, 1, 2 and 2, 3 ठीक। आर फोर, सो ए चार्टा रिलेशन भीतर हमको देखियार अछि कि को रिलेशन टा ट्रांजिटिव हबो एंड को रिलेशन टा ट्रांजिटिव रिलेशन हबो नहीं, ठीक अछि। सो हमें केमते जानिबा ताले को रिलेशन टा ट्रांजिटिव रिलेशन हबो कि को रिलेशन टा ट्रांजिटिव हबो नी, हमको चेक करियार अछि कंडीशन। जदि ए कॉमा बी आर रे प्रेजेंट अछि एंड बी कॉमा सी आर रे प्रेजेंट अछि देन हमको चेक करियार अछि कि ए कॉमा सी टा आर रे प्रेजेंट होछि कि नहीं।
ଯଦି ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଳିଯାଉଛି ଦେନ୍ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍। ଓକେ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଟ୍, ଏ ସେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ଫୋର୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆମେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ୱାନ୍, ଆର୍ ୱାନ୍ ରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ଅଛି, 1,2, 1,3 ଆଣ୍ଡ 2,3। ସୋ 1,2 ଆଣ୍ଡ 2,3, ଠିକ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି, 2, ଏଠି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି, 2 ଅଛି। ସୋ 1 ଦେଖନ୍ତୁ 2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, 2 3 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 କ'ଣ 3 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ମିନ୍ସ 1,3 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, 1,3 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆର୍ 1 କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର୍ 1 ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଆର୍ 1 ଇଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍, ଆର୍ 1 ଇଜ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ। ବୁଝି ଆସିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆର୍ 2, ଆର୍ 2 ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, 1,2, 2,1। ତ 1,2, 2,1 ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, 1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, 2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ 1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1,1 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1,2, 2,1 ପାଇଁ 1,1 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆର୍ 2 ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆର୍ 2 ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, 1,1। ସୋ 1,1 ଆଣ୍ଡ 1,2 ମିନ୍ସ 1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତିଆ ଲେଖିପାରିବା, 1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ଓକେ 1,1। ତାପରେ ସେଇ 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ, 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ, ଓଭିୟସ୍ଲି ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1,1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନେଇଲା, 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନେଇଲା, ତ 1,2 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ରେ 1,2 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି, ଓଭିୟସ୍ଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଏଇ ରିଲେସନ୍ଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହବ କି, ଓଭିୟସ୍ଲି ଏଇ ରିଲେସନ୍ଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହବ। ଆମକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି a, b, b, c ପାଇଁ a, c ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଗଲା, ବାକି ଏଲିମେଣ୍ଟ କଥା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବାକି ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉ ନଥାଉ କିଛି ଯାଇଆସେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ 4। ଆର୍ 4 ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ 4 ରେ ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛି, 1,1, 1,2, 2,3। ସୋ 1,1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। 1,1 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି ଆଣ୍ଡ 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ, ଓଭିୟସ୍ଲି। ସୋ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି 1,2 ଏଠି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 1,2 ଆଣ୍ଡ 2,3 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ମିନ୍ସ 1,2 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି ଆଣ୍ଡ 2,3 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି, ତ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ, 1,3 ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1,3 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସୋ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡଟା ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁନି। ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁନି ସେକେଣ୍ଡଟା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଆର୍ 4 କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହବ କି, ଆର୍ 4 ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ତାହେଲେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ଆର୍ 4 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍, ଆର୍ 4 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ 4 ତାହେଲେ କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହବ କି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ହବ ନାହିଁ, ବୁଝି ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରିଲେସନ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍, ଠିକ୍। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରିଲେସନ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍ କହିବା, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେସନ୍ ବି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ ଉପରେ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଲେଖିଦେଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଲେଟ୍ ଆର୍ ବି ଏ ରିଲେସନ୍ ଅନ୍ ଏ ସେଟ୍ ଏ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଇଫ୍
इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक अच्छे, तो सी आम को कौन कहला देखो, तो आज जदि आम गोटे आर रिलेशन डिफाइन कर सेट ए उपरे, तो से रिलेशन टाक आम इक्विवेलेंस कही पार के बड़े ना जितेबाला से तीन टा कंडीशन को सैटिस्फाई कर, दैट इज रिफ्लेक्सिव भी हो तो सिमेट्रिक भी हो तो एंड ट्रांजिटिव भी हो तो एका सांगरे से तीन टा जको सैटिस्फाई कर। ठीक अच्छे, सो देखो गोटे रिलेशन रिफ्लेक्सिव के बड़े हुए ना जितेबाला से सेट ए उपरे डिफाइंड हुए। ठीक अच्छे, मीन्स गोटे सेट उपरे डिफाइंड हुए, सिमेट्रिक टा भी देखो गोटे सेट उपरे डिफाइंड हुए, ट्रांजिटिव टा भी कौन होता है गोटे सेट ए उपरे ही डिफाइंड होता है, जदि रिफ्लेक्सिव टा गोटे सेट उपरे डिफाइंड होची, सिमेट्रिक टा ए सेट उपरे डिफाइंड होची, ट्रांजिटिव टा भी ए सेट उपरे डिफाइंड होची, तो ए तीन टा को कंबाइन करके जो रिलेशन टा बनतबो से रिलेशन टा भी ऑब्वियसली गोटे सेट उपरे बनतबो कि नहीं, ऑब्वियसली बनतबो, यस और नो। तो सेइत में एटी लिखा गला कौन ना जो इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से गोटे सेट ए उपरे ही डिफाइंड होची। ठीक अच्छे, सो जदि आमको एमते गोटे रिलेशन मिल पारुची जोटा कि रिफ्लेक्सिव रो भी कंडीशन को होल्ड करथबो, सिमेट्रिक रो भी एंड ट्रांजिटिव भी तीनटा जक कंडीशन एका संगे सैटिस्फाई करथबो, तो से रिलेशन टाक आम कहवा कौन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज ए जिनस टाक आम एमती लिखि पारिबा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पई कौन होतबा दरकार, रिफ्लेक्सिव पई एमती होतबा दरकार फोर every a belongs to a, a comma a belongs to r hotba darkar, tapare second hochi amaro kon symmetric, symmetric pai condition kon roichi, symmetric pai condition a roichi ki if a comma b belongs to r that implies b comma a belongs to r hotba darkar, to eita satisfy kale symmetric heijbo, tapare next roichi kon transitive, कौन रही है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रे से कौन कहूँ ना इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, जदि आमको एमके दीटा ऑर्डर पेयर मिल पारे गोटे हूँ ए कमा बी आ गोटे हूँ बी कमा सी, दैट इम्प्लाइज जदि आम कही पार ए कमा सी टा भी आमको मिल गला ताहले सही केस रे सेटा कौन जाऊला ट्रांजिटिव हो जाऊला, तो जदि गोटे रिलेशन आर जोटा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीन टा जक कंडीशन को एका सांगरे साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई करिवो ताले से रिलेशन टाको कहा जाए कौन इक्विवेलेंस रिलेशन, कौन कहा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाए। ठीक अच्छे, सो इक्विवेलेंस रिलेशन रो जदि हम एग्जांपल्स देखिबा देखंतु इक्विवेलेंस रिलेशन रो म आपनको एग्जांपल्स देबी, सो जदि हम यूनिवर्सल रिलेशन कथा कहबा ठीक अच्छे देखंतु मो एक एग्जांपल सेठ लिखि दउ छी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए गोटे हमें सेट नेले 1 2 3 ठीक अच्छे, सो यार मु गोटे रिलेशन बनेली सपोज 1,1, 2,2, and 3,3, सो एटा गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हबो कि नहीं देखंतु, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटा रिफ्लेक्सिव रो कंडीशन सैटिस्फाई करथु मींस रिफ्लेक्सिव हे जाउची, तापर एटा सिमेट्रिक भी होउची कि नहीं कि ना देखंतु 1,1 मींस कोन 1,1 मींस होउची 1 टा 1 से तो रिलेशन बनउची, तापर आउ गोटे 1,1 जदि नै जेबा सेटा भी आपन मन को कोन जाउची 1,1 से तो रिलेशन बनउची, सो दैट मींस 1 टू 1 से तो रिलेशन बनउची, से प्रकारे 2,2 पई भी हमें कहि परबा 2,2 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो यार एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से तो रिलेशन बनउची कि नै 2,2 आल्सो प्रेजेंट, 3,3 पई भी से प्रकार हे परबो, सो दैट मींस इट इज सिमेट्रिक भी होची एंड ट्रांजिटिव भी होची, जदि ए रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनटा जको हे परुची एका संगरे ताले ए केस रे हमें कहि परबा कोन ए केस रे हमें कहि परबा आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ते प्रकार जदि हमें देखिबा इक्विवेलेंस रिलेशन ताले देखंतु यूनिवर्सल रिलेशन टा भी गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हे परबो, जेंति कि मु एठी लिखिली सपोज r1 टा कोन हिजबो ना a क्रॉस a जदि हमें बनाउ छथि सेटा भी हिजबो हमर इक्विवेलेंस रिलेशन, काहे कि देखंतु a क्रॉस a रे के एलिमेंट आसीबो, a रे एलिमेंट अछि 1 2 3, सो प्रत्येक एलिमेंट तीनटा एलिमेंट सहित 1 2 3 1 2 3 सहित कोन हेबे ऑर्डर पेयर बनेबे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यस ऑन, सो 1 टा 1 सहित बनेबो, सो 1,1 1,2 1,3 से प्रकारे 2 टा भी बनेबो 2,1 2,2 2,3 ठीक, तापर देखंतु 3,1 3,2 3,3, सो एटा भी हमरो कोन हो जाउची
ऑर्डर पेयर बनाऊँ सो ये जो तीन टाइम एलिमेंट थिला 1 2 3 सो मैंने कौन कले ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मैंने ऑर्डर पेयर बनेले सो ऑर्डर पेयर को नहीं कि हमें उटा रिलेशन बनेले दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन काई कि ना या छोड़ा हो किसी ऑर्डर पेयर हमरो कंटेंट करी परबो नहीं आ ए क्रॉस ए टोटल हमें जदी बने दोजन सेटा ही ताय हमरो कोन इक्विवेलेंस रिलेशन सो आर वन टे जदी इक्विवेलेंस रिलेशन बनोछन ताले एटा कोन हमरो सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन बनोछन तो ए यूनिवर्सल रिलेशन टा कोन गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन हे परबो कि नहीं ए यूनिवर्सल रिलेशन टा इक्विवेलेंस रिलेशन हे परबो कि नहीं ए क्रॉस एटा होची यूनिवर्सल रिलेशन सो ए यूनिवर्सल रिलेशन टा इक्विवेलेंस हबो कि नहीं देखो तो केमती चेक परबा एटा इक्विवेलेंस हबो कि नहीं इक्विवेलेंस पई हमरो कोन कोची रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सो रिफ्लेक्सिव जदी हम देखिबा 1,1 2,2 3,3 प्रेजेंट अछि सो एटा रिफ्लेक्सिव हे गला रिफ्लेक्सिव सटिस्फाई गला तापर नेक्स्ट चेक करियर छि सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखंतु 1,2 प्रेजेंट अछि सो 2,1 प्रेजेंट अछि 1,3 पई 3,1 प्रेजेंट अछि 2,3 पई 3,2 प्रेजेंट अछि सो दैट मींस एटा सिमेट्रिक भी हे गला ठीक अछि सिमेट्रिक भी हे गला वर्तमान नेक्स्ट चेक करियर छि ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मींस कोन ना 1,1 पई तो हमरो मिलि जइबो एलिमेंट्स 2,2 भी 3,3 भी हे जइबो ट्रांजिटिव ओके वर्तमान देखंतु 1,2 एंड 2,1 जदि प्रेजेंट अछि ताहाले देखंतु फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 1,1 प्रेजेंट अछि 1,2 2,2 पई जदि हम देखिबा फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट देखंतु 1,2 प्रेजेंट अछि ओके सो एटा सटिस्फाई करि गला तापर सेइ प्रकार जदि हम देखिबा 1,2 एंड 2,3 तामने हमको मिलिबो कोन 1,3 यस और नो सो 1,3 एथरे प्रेजेंट अछि सो एटा भी सटिस्फाई करि गला तापर से प्रकार हमें 1,3 पई जदि हमें देखिबा 1,3 3,1 तो ए केस रे कोनी जाउछे देखंतु 1,1 प्रेजेंट अछि 1,3 3,2 सो 1,2 प्रेजेंट हि जाउछि 1,3 3,3 तो ए केस रे भी हमकु 1,3 मिलुछि सो एटा भी आपन मन को देखंतु सटिस्फाई करुछि सो एटा ट्रांजिटिव भी होउछि ओके ट्रांजिटिव भी होउछि ओके सो हमें कोन देखिले ताहले एटा जो आर1 रिलेशन टा मिलला एटा हमकु रिफ्लेक्सिव भी मिलला सिमेट्रिक भी मिलला ट्रांजिटिव भी मिलला एक संग रे ओके सो आ ए रिलेशन टा हमें कोन हितले यूनिवर्सल रिलेशन हितले तामने ए रिलेशन टा हमरो कोन जइबो ए रिलेशन टा हमरो इक्विवेलेंस रिलेशन हबो कोन हबो इक्विवेलेंस रिलेशन हबो तो दैट मींस हमें कहि परबा कोन आर1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो एठु हमको गोटे नोट पॉइंट मिली गला कौन नोट पॉइंट हमको ये मिली गला कि यूनिवर्सल रिलेशन इज अलवेज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो यूनिवर्सल रिलेशन टा सब बड़े कौन था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है था ठीक अच्छे से इटा गला फर्स्ट पॉइंट तापरे सेकंड पॉइंट आउटर रही ची सेकंड पॉइंट कौन ना सेकंड पॉइंट है या कि अम्मो को जो दी सपोज करन तो गोटे ए सेट दिया ची जो तरीके कार्डिनलिटी एन रही ची देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन केतरा बनै परबा ए सेट ऊपर सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 टू द पावर ऑफ n स्क्वायर माइनस n सो इटा हिजबो कोन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सो दैट मींस ए केस रे जदि हमें देखिबा देखंतु ए सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि तीनटा एलिमेंट पाए हमरो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन केतरा बनि परबो ताहेले देखंतु 2 टू द पावर ऑफ 3 रो स्क्वायर माइनस 3 सेटा ताले केते जबो 2 टू द पावर ऑफ 9 माइनस 3 दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 6 2 टू द पावर ऑफ 6 मींस 64 नंबर ऑफ हमे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनै परबा एई ए सेट ऊपर ठीक अछि तापर नेक्स्ट रहइबो कोन हमरो जदि ए गोटे सेट रहै छि जहार कि कार्डिनलिटी होची n तो ता पय हमरो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन केते हबो ठीक अछि जदि ए गोटे सेट होची जहार कि कार्डिनलिटी n देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ठीक अच्छे सिमेट्रिक
रिलेशन तो सेटा कोन हिजबो देखो तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ताले केते हिजबो 2 टू द पावर ऑफ n इनटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 सो याकु जदी हमें सिंपली लिखिबा 2 टू द पावर ऑफ n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रो पावर ट रहिछि n स्क्वायर माइनस n तो एथरे जदी डिवाइड बाय 2 कर दबो सो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन मिलि जबो एंड देखो तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन पै सेम थिंग इज जनरल फार्मूला ना ओके सो ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड करिया पई देखो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करिया पई हमको कोन करा जाय ना नंबर ऑफ पार्टीशन दैट इज इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करिया को पड़ी थाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास जतडी थाय से अनुसार हमरे कोन करताउ ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करताउ तो सेटा हमको दरकार नै ठीक अछि सो एति की जेंस को आपन मन को मने रखियो पड़िबो ठीक अछि हमें केमतिया गोटे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करबा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस केमतिया चेक करबा ठीक अछि आ एडा कहिला किछ टा इंपोर्टेंट पॉइंट सो आई होप कि आपन मन को आज रो लेक्चर टे भल लागित हो देखा बा गाम वीडियो रे से पण तो जय जगन्नाथ धन्यवाद ओके।